एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। ये देखिए, मैंने आज व्रत के लिए आपको डोसा बनाना बता रही हूँ। ये मैंने साबूदाना को अच्छे से दो तीन बार धो के, बिल्कुल जैसे डूब जाए, इसको सोक कर लिया है ओवरनाइट। ये समा के चावल हैं, इनको भी हमने अच्छे से पानी में सोक कर लिया और ये बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब देखिए, नीचे थोड़ा पानी है, बहुत अच्छे से गल गए हैं। 1 कप हमने ये लिया है समा के चावल और 1/4 कप लिया है हमने साबूदाना। अब इनको हम ग्राइंड करेंगे। तो पहले मैं समा के चावल डाल के ग्राइंड करती हूँ मिक्सी में। ये हमने चावल को इसमें मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल लिया है। अब हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें खट्टा दही और इसको ग्राइंड करेंगे। और आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका बिल्कुल ही फाइन पेस्ट बन गया है। ये देखिए, बिल्कुल एकदम फाइन पेस्ट है। इसी तरह से हम सारा जो है मटेरियल पीस लेंगे, साबुदाना भी पीस लेंगे और समा के चावल भी पीस लेंगे। और सेकंड टाइम में हमने जो समा के चावल बचे थे वो और साबुदाना मिला के उनको पीस लिया है। ये थोड़ा सा थिन है, केवल चावल का था, और ये साबुदाना मिक्स कर किया है तो ये थोड़ा सा थिक है, लेकिन वैसे महीन पिसा हुआ है। तो अब हम इन दोनों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। और ये हमने एक जगह सारा मिक्स करके रख लिया है। इसमें मैं 1/2 चम्मच सेंधा नमक मिला कर रख दिया है। 1/2 घंटे के लिए हम इसको ढक कर रख देंगे, क्योंकि हम ये व्रत के लिए बना रहे हैं तो हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे। तो अब जो ये तैयार बैटर है आप देख रहे हैं, ये देखिए इस टाइप की कंसिस्टेंसी है इसकी। तो अब हम इससे बनाते हैं डोसा। तवा गरम हो गया है, बहुत ज्यादा हमें गरम नहीं करना है। थोड़ा सा हम ऐसे पानी का छींटा देंगे इस पर, और आप ऐसे करके ना ऑयल लगा के प्याज भी ऐसे कर सकते हैं, जिससे ये चिपकता नहीं है। और अब हम डालेंगे इसका ये बैटर और इसको इस तरह से जल्दी से फैला देंगे। देखिए, व्रत में खाने वाले बहुत अच्छे डोसे बनते हैं। इसमें हमने सेंधा नमक यूज किया है, ये देखिए कितना बढ़िया ये डोसा बनकर तैयार है। तो अभी जैसे ही ये थोड़ा सा कलर चेंज होगा इसका ऊपर से, हम इस पर लगाएंगे घी। अब हम लगा रहे हैं इस पे ये घी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और अब हम इसके सिकने की इंतजार करते हैं। और ये हम चारों तरफ से इसको ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे। कोई भी वुडन स्पैटुला लें और इसको चारों तरफ से ऐसे निकालते हुए पलटेंगे हम। और ये देखिए, देखिए कलर कितना बढ़िया डोसे का कलर है। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, कितना सुंदर ये सिका हुआ है। तो इसको दोनों तरफ से हम सेक लेते हैं और यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छा डोसा बनता है। तो यानी आप जब भी फास्ट रखें तो कुछ ना कुछ आपको चेंज चाहिए होता है, तो आप ऐसे बैटर बनाकर रख लीजिए और आप इसको यूज कर सकते हैं। फ्रिज में रखें तो आप रूम टेम्परेचर पर लाकर दोबारा से यूज कर सकते हैं। और देखिए, आप इधर से भी सिक गया है, तो इसको निकालते हैं हम प्लेट में। और अब हम डालेंगे दूसरा डोसा। तवे को हल्का सा हम ठंडा कर लेंगे, क्योंकि अगर ये ठंडा नहीं होगा ना पानी का छींटा देके, तो ये आपका डोसा जो है वो उतरेगा नहीं, अच्छे से फैला नहीं पाएंगे आप। तो ये हम जल्दी से इसको फैला देते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से हम अपने सारे डोसे बना लेंगे, है ना मजेदार। ये लगाएंगे हम इस पर घी, जैसे आप लगाना चाहें, आप बहुत कम लगाना चाहें कम लगा सकते हैं। व्रत में जो चीजें हैं वो घी में ही ज्यादा लोग बनाते हैं, इसलिए मैं आपको ये घी से बनाना बता रही हूं।
देखिए ऊपर का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और ये ना बहुत आसानी से उतर जाता है। आप नॉनस्टिक पे बनाते हैं ना, आप देखिए अभी इस तरीके से उतर जाएगा, तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है बनाना। ये देखिए लग रहे हैं ना बढ़िया। तो इसी तरह से हम सारे डोसे बना लेंगे। इस बीच में आपको आलू की फिलिंग बताती हूं कैसे करना है। ये देखिए दो उबले आलू हमने ले लिए हैं और इनको अब हम बारीक कर लेंगे। अब पैन गरम हो गया है, उसमें डालेंगे हम ये देसी घी एक चम्मच। इसको गरम होने देते हैं। घी गरम हो गया है, अब हमने एक हरी मिर्च को काट लिया है, उसको डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें जीरा डाल सकते हैं, मैं इसमें और कुछ नहीं डाल रही हूं। और ये जो हमने आलू थोड़ा मैश किया है उसको डाल देंगे। और इसमें डालेंगे हम सेंधा नमक। ये जो सेंधा नमक है ये हम इसमें डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार, और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। आप कटा हरा धनिया है तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं, अभी मेरे पास नहीं है और कुछ लोग खाते भी नहीं हैं, तो इसमें मैं और कोई मसाला नहीं डाल रही हूं। ये घी में बने हुए आलू हरी मिर्च के फ्लेवर के साथ अपने आप में ही बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए इसको मैश करके और एक से दो मिनट हम इसको भून लेंगे, अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है ना वो निकल जाए, और टेस्ट करके देख लेंगे कि नमक बराबर है। और ये देखिए बहुत अच्छे से इसमें से घी की और हरी मिर्च के फ्लेवर की खुशबू आ रही है, तो इसकी करते हैं प्लेटिंग। और ये देखिए फ्रेंड्स, है ना यमी, ये कितनी अच्छी आलू की सब्जी है। ये देखिए इसमें हरी मिर्च का फ्लेवर है और ये मैंने बनाया है डोसा। आप व्रत में भी किसी चीज के लिए ऐसे नहीं होंगे कि हम ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते, आराम से 9 दिन व्रत कीजिए और डिफरेंट रेसिपी खाइए। मैं इसमें फलहारी चटनी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप मेरी वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।